राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है दादाजी का ढाबा .com में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ सोयाबीन चाप की रेसिपी। अगर इस रेसिपी की कोई भी सामग्री आप जानना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट के नीचे लिंक दिया हो गया है, उस पर विजिट करें। ये देखिए, हमने 2 किलो सोयाबीन चाप लिया है। सोयाबीन चाप ये आटे वाली आटा और सोया का चाप होता है, ये सबसे बेहतरीन चाप होता है। ये देखिए, इधर हमने कढ़ाई में पहले से ऑलरेडी तेल रखा है। इसमें हम फ्राई कुछ कुछ करते रहते हैं क्योंकि 5-6 सब्जी बनाते हैं। तो इसमें हम गैस का फ्लेम पूरा फुल कर दिए हैं और इसमें 2-3 चक्कर में इसको हम डाल के फ्राई कर लेंगे। इधर देखिए, हमने एक पतीला लिया है, उसमें सरसों का तेल डाल रहे हैं। ये ये 100 ग्राम सरसों का तेल है, उसी में एक छोटा चम्मच जीरा डाला हूँ, 4-5 तेज़पात है, 10-12 हरी मिर्च फाड़ के हमने डाल दिया है। इसका तड़का इधर तैयार कर रहे हैं हम, और इसी में हम आधा किलो करीब करीब प्याज बारीक काट के इसी में हमने डाल दिया है। देखिए, हमें लग रहा है कि तेल कम होगा, तो इसमें हमने 150 ग्राम और तेल बढ़ा दिया है, मतलब 250 ग्राम तेल कर दिया है इसमें। इधर हम सोयाबीन चाप को फ्राई कर रहे हैं और फ्राई करके निकालते जाएंगे। इधर हमारा तड़का ये तैयार हो रहा है। चाप को डालते समय एकदम फुल फ्लेम रखें। और आप बोलते हैं कि आपका तेल काला हो जाता है जब 2-3 बार हम सामान फ्राई करेंगे, और एक तो काली कढ़ाई, दूसरा तो दो तीन चीज़ फ्राई करने के बाद तेल काला ही हो जाता है। और इसी में हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, और इसका ही फ्लेम हम मीडियम से हाई रखे हैं क्योंकि फटाफट सब्जी बनाना होता है, तो इस वजह से फ्लेम को हाई रखना होता है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहीं पर हमने लगभग 3 पाव टमाटर पिसा हुआ हम डाल देते हैं और इसको भी बढ़िया से भून लेते हैं। इधर हमारा ग्रेवी तैयार हो रहा है, उधर हमने सोयाबीन चाप को फ्राई कर रहे हैं। लग रहा है कि हमें टमाटर कम हो जाएगा, तो इसमें हम सब मिलाकर लगभग 3 पाव टमाटर डाले हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच देगी मिर्च है, आधा चम्मच रतन जोध है, और आधा चम्मच गरम मसाला, और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है। इसी में सारे मसाले को हम डाल देते हैं। आप रतन जोध के जगह 2 चम्मच देगी मिर्च भी डाल सकते हैं। और देखिए, सारे मसालों को डालकर हम बढ़िया से इसको भून लेते हैं। मसाले जो भूनते समय गैस का फ्लेम एकदम लो रखें। और देखिए, हमारा इधर सोयाबीन चाप फ्राई हो चुका है और इधर हमारे मसाले भी भून रहे हैं। तो मैंने सारा सोयाबीन चाप को फ्राई कर दिया है और इसका डंठल सारे का निकाल दिया है। आप इसको चाहें तो कम से कम 4 पीस तो करें, नहीं तो आप 5 पीस भी कर सकते हैं और 3 भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा मसाला इधर भून के बिल्कुल तैयार हो गया है, और दूसरी तरफ हम सारा डंठल इधर निकाल दिए हैं और इसका पीस पीस कर देंगे। अगर हमारी सोयाबीन चाप की रेसिपी आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। इधर देखिए, हमारे सामने फैक्ट्री में लड़के काम कर रहे हैं। ये लकड़ी का फट्टा है, इसी पर हम प्याज काटते हैं। तब 3 पीस 4 पीस अपने हिसाब से देख लें, अगर इससे भी छोटा करें तो और बढ़िया, ये 4 तो करें करें। और आपको जो भी और वीडियो बनवाना है, देखिए हमारे दुकान पर लोग खा रहे हैं, तो ये हमारा वीडियो बनाने के लिए एक बल्ब हमारा जलता है यहाँ पे। ऐसे ऐसे पीसों को हम काट देते हैं। अगर और भी कोई वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट्स करते रहें। ये देखिए, हमारे पास ग्राहक आते रहते हैं, चाय के लिए ग्राहक आए हुए हैं, जिनको चाय दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ। और उधर हमारा
सब्जी मसाले भून के बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए आएंगे आपको हम मसाले दिखा रहे हैं। देखिए अब इसी में जिस हिसाब से आपको ग्रेवी को मोटा पतला रखना है उस हिसाब से आप पानी डालें, और इसके ग्रेवी में भी आप 250 ग्राम मगज और काजू मिक्स करके 125 ग्राम 250 ग्राम इसका पेस्ट बना के इसमें डाल सकते हैं, और भी बेहतरीन सब्जी बन जाएगी। और यहीं पर हम स्वाद अनुसार नमक डालते हैं और गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं ताकि हमने पानी डाला है तो मसाला फटाफट भून जाए। और यहीं पर हम धनिया पत्ता भी डाल देते हैं। ये मसाला खोलते ही इसी में हम चाँप को डाल देंगे। ये देखिए हमने चाँप को भी डाल दिया है। ये देखिए एक चाँप कटा हुआ ऐसे, इसमें एक चाँप ऐसे ही रह गया है, कटा नहीं है, एक आधा छूट भी जाता है, उसको निकाल कर फिर से आप काट दें। और इस तरह से बनाए चाँप की सब्जी बहुत ही बेहतरीन बनता है और खाने में बहुत मज़ा आता है। शादी पार्टियों में भी ऐसे ही बनता है और घर में बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद है चाँप की सब्जी। ऐसे लटपट बनाए, अगर चावल से खाना है थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं इसको, रोटी पराठे से खाने के लिए बहुत बेहतरीन बना है। ये देखिए हम आपको सर्व करके दिखा रहे हैं। और भी आपको कोई वीडियो पसंद आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखिएगा। और हमारे 1,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, इसके उपलक्ष में हम संडे को लाइव आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आके कमेंट्स करके हमें सीधा बात कर सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम जी।